दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि खीर किस तरीके से बनाते हैं और कैसे क्या क्या इसमें पड़ता है। और खीर तो बहुत तरीके से बनाते हैं, बट ये खीर बहुत ही अलग तरीके से बनी है। आई होप आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, किस तरीके से ये बनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप मत करिएगा, तब आपको समझ में आएगा मतलब ये किस तरीके से। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमने इसमें मतलब ये चावल लिए हैं और तड़के के लिए घी लिया है, और घी में हम तेज़पत्ता, और ये चावल हम जो लिए हैं इसमें हम तड़के के लिए ये इलायची छोटी वाली जो होती है, और ये तेज़पत्ता और घी लिए हैं। इसमें हम चावल और दूध हमने उतना ही लिया, 1 लीटर दूध है, इसमें हमें आधी कटोरी चावल को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले चावल को अच्छे से भून लेंगे। ये हमने घी कढ़ाई में ऐड किया, और हल्का सा घी जब गर्म हो जाता है तो उसमें हम थोड़ा सा तेज़ पत्ते का तड़का देते हैं, और तेज़ पत्ते को अच्छे से जब थोड़ा सा ब्राउन टाइप हो जाता है तो उसमें हम जो इलायची का है टुकड़ा उसको ऐसे फोड़ देंगे ताकि वो ऊपर छिटके ना। तो इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे चावल को, जो हमने चावल लिया था उससे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि पहले से मतलब अच्छे से भुना रहेगा तो खीर हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरीके से हम थोड़ा सा जब तक चावल ब्राउन नहीं हो जाता, ब्राउन क्या, अच्छे से मतलब भून लेना है चावल को। और ये खीर मतलब इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही लजीज बनती है। और देखिए आगे आगे इसमें क्या मतलब कैसे क्या करते हैं, बस इसमें सारा प्रोसेस खीर चलाने का होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है इसमें। तो हम इसे, हमारा चावल अच्छी तरीके से भुनने वाला है, तो हम जब ये अच्छे तरीके से भून लेंगे तो इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी खीर को, फिर हम दूध जो रखे हुए हैं, देखिए चावल हमारा भुन गया है, और भुन गया तो हम इसे प्लेट में निकाल लिए हैं। और ताकि इसे अच्छे से ठंडा करें, तुरंत हमें दूध में नहीं ऐड करना, क्योंकि गर्म चीज़ें दूध में, तुरंत ठंडे दूध में गर्म चीज़ें ऐड करने से दूध फट जाते हैं। और देखिए अब हम दूध गैस पे चढ़ा दिए हैं, दूध को अच्छे से जब उबाल आने लगेगा तब हम ये चावल इसमें ऐड करेंगे, अभी नहीं ऐड करेंगे। अभी हमें जो चीनी, जितना हमें मीठा चाहिए, पहले हम चीनी इसमें डाल देंगे, तब तक इसे चलाएंगे तब तक जब तक कि दूध में पूरा अच्छी तरीके से उबाल ना आ जाए। तो हमें इसी तरीके से चलाते ही रहना है, और आगे जब हम चावल जो हमने भून के रखा था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सारा मतलब इसे अच्छे से चलाते ही रहना है, क्योंकि चलाने से खीर का जो चावल होता है ना तो वो टूट जाता है, क्योंकि पुराने चावल होते हैं तो उसे खीर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि नए चावल होते हैं जो उनका खीर बनाना तो वो घुल जाते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन पुराने चावल की खीर बट चलाने से और भी अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। तो इसे हम 2-5 मिनट के लिए अच्छे से ढक देंगे ताकि हमारा चावल अच्छे से पक जाए, पक के रेडी हो जाए, ताकि जब तक ये पूरी तरीके से घुले ना तब तक हमें इसे ऐसे ही चलाना। और इसमें हम आगे क्या करेंगे कि जो हम लोग नहीं पार्ले जी बिस्किट खाते हैं, वही बिस्किट हम इसमें थोड़े से, 1 पैकेट हमने बिस्किट लिया था, अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें ऐड करना है बिस्किट को। अगर आप 3-4 लोगों के लिए या फिर खीर बना रहे हैं तो खीर का मतलब स्वाद, अगर खीर को गाढ़ी करनी है या फिर खीर हमारी बन के रेडी हो गई है और फिर भी वो अच्छी ना बने, तो इस पार्ले जी बिस्किट का इसमें उपयोग करने से ये ऐसा लगेगा कि हमने मटके में खीर बनाई है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो खीर बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसलिए हम इसमें थोड़े से बिस्किट हमने लिए हैं 1 पैकेट, लेकिन हमें इसमें से केवल 4 ही पीस बिस्किट इसमें ऐड करना। और बिस्किट जब हम इसमें तोड़ के टुकड़ी करके इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा बिस्किट अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए। घुलने के बाद ये खीर बिल्कुल भी इतनी गाढ़ी बनेगी और इतनी अच्छी बनती है। एक बार इस वीडियो को ज़रूर बनाएं, देखें और इस रेसिपी को बनाएं, तब आप चख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से बनी है। देखिए हमारी खीर पूरी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो गई है, हम एक बाउल में निकाल के दिखाते हैं, हमारी खीर बन के रेडी हो गई है। और देखिए हमारी खीर बन के रेडी हो गई है, तो हमने इसे पिस्ते से अच्छे से सजा दिया है। और आप चाहें तो आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं, खा सकते हैं, खुद भी चख सकते हैं। थोड़ा सा मैं चम्मच से इसे अच्छे से निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी गाढ़ी और कितनी यमी बनी है।
देखिए चम्मच से मैं जब उठाऊंगी तो ये कितना गाढ़ा गाढ़ा सा लगेगा इसका पेस्ट पूरा। बट हमने ना ही मिक्सर का उपयोग किया, ना ही किसी भी चीज़ का हमने ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा चीज़ ना काजू बादाम कुछ भी नहीं उपयोग किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतने के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।